धृतराष्ट्र, माता गांधारी का अंतिम संस्कार धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती सहदेव को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी। पांचों भाइयों में सहदेव सबसे छोटे थे। सहदेव जिस समय अपनी माँ कुंती का अंतिम संस्कार कर रहे थे, आंख में से आंसू की धार कैसे भी बंद नहीं हो रही थी, वो अपना मस्तिष्क पटक रहे थे। पार्थ अर्जुन अपने अनुज को छाती से लगाकर भारी रुदन किया और कहा, सहदेव तुम कितने बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, हम पांच भाइयों में माता का सबसे ज्यादा स्नेह तुम्हारे ऊपर रहा। मां हमेशा यही कहती रहती थी, अर्जुन नकुल और सहदेव ये अपने नहीं अपने से ज्यादा है। भले ही नकुल और सहदेव ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन मुझे अपने पांचों पुत्रों में सबसे ज्यादा मुझे ये दोनों प्रिय है, और उन दोनों में भी मुझे सहदेव बहुत प्रिय है। माँ कुंती हमेशा यही कहती रही। जब युधिष्ठिर ने कहा था, अनु सहदेव माँ की चिता पर अधिकार सबसे ज्यादा तुम्हारा है, तुम छोटे हो और मैं तुम्हें लाड़ भी बहुत ज्यादा करती थी। आज सहदेव ने बाएं हाथ में अग्नि लेकर के माँ के पार्थिव शरीर में जब चिता में जब अग्नि का दहन किया, आज देवताओं की आंखों में से आंसू टप टप टपक रहे थे। आज पांच भौतिक शरीर पंच तत्वों में जाकर के विलीन हो गया। समय है सदा दिन जातन एक समय, सबका समय एक जैसा नहीं। जो पांडव कभी इंद्रप्रस्थ नगरी के राजा थे, कभी कभी वो वन में भी भटके। जैसे अर्जुन का सामना कोई नहीं कर पाता था, भीलों ने उसको परास्त कर दिया, वनवासियों ने उसे परास्त कर दिया। पूरी ये कथा कहती है कि ईश्वर ने आज हमें समय दिया है, हम मनुष्य बन करके आए। ईश्वर ने दिया है, सदुपयोग कर लो इस जिंदगी का। चली जा रही है ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची है उनको संभालो। बचपन बिगाड़ा यौवन संभालो, यौवन बिगाड़ा तो वृद्धा संभालो। जो कुछ बची है उसको संभालो। चली जा रही है ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उनको संभालो। दो पंक्तियां कबीर साहब ने लिखी हैं, होतन सब दिन एक समान, इनको गुनगुनाता हुआ मैं आगे के प्रसंग में बढ़ रहा हूं। पांडव माता का अंतिम संस्कार, धृतराष्ट्र राजा का अंतिम संस्कार, गांधारी माता का अंतिम संस्कार, संजय का अंतिम संस्कार किया। आज पांडव टूट गए, लगता है कि हमारे ऊपर अब हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। उस समय की घटना है, मैंने महाभारत को बहुत बारीकी से पढ़ा है। जिस समय पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए गए हैं, एक खेत की मेड़ पर बैठ करके और युधिष्ठिर जो रोए हैं, भगवान व्यास ने आकर के उनके आंसू पोंछे हैं। अपनी माँ, बड़े पिता, संजय, इन सब का अंतिम संस्कार करके पांडव हस्तिनापुर आए। अब मन लगता नहीं है। कुछ ही समय व्यतीत हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रवास क्षेत्र में अपनी लीला को समेट लिया। हस्तिनापुर नरेश को गद्दी पर सिर्फ 36 ही वर्ष व्यतीत हुए थे। लिखा है, सटत्र शोत गति वर्षो कौरवाणाम छयात पुनः प्रवासे यादवा सर्वे विप्रसापा क्षयम गतः, ते पित्ता मद्राम मत्ता कृत्ता युद्धम परस्परम क्षयम प्राप्ता महात्मनः पश्यतो राम कृष्णयो। जब यह समाचार मिला कि भगवान कृष्ण और बलभद्र
वह भी देहम तत्याज रामस्तु कृष्ण कमल लोचना। जब यह सूचना मिली वह भी इस धरती को त्याजित करते हुए चले गए। अर्जुन स्तुत गत्वा प्रभा से चात दुखिता संस्कारम तत्र सर्वेशाम था योग्यम चकार। अर्जुन विदा करने को जब भगवान को गए वापस आए, अर्जुनो द्वार काम्यता पुराण नाम ये काम जन्नवा। जब अर्जुन ने जब पूरी वेदना सब कुछ बताया था उस समय धर्मराज इष्टन ने कहा कि अब यहाँ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए।